हेलो स्टूडेंट्स, तो डिप्लोमा फर्स्ट सेमिस्टर तुम्हारा बेसिक इलेक्ट्रिकल जो सब्जेक्ट अच्छे, तो सब्जेक्ट रे हमें फंडामेंटल्स फर्स्ट चैप्टरटा अच्छे। फर्स्ट चैप्टर प्रॉब्लम्स हमें सॉल्व करिया, अलग विथ प्रॉब्लम सॉल्व करिया सहित ए जो कांसेप्ट उडा को अच्छे, से कांसेप्ट उडा को भी मु क्लियरली रिवाइज कर देबी। ता सहित हमें किछि प्रॉब्लम सॉल्व करिवा। सो प्रॉब्लम सब को प्रॉब्लम उडा को सॉल्व करिया, ए सब प्रैक्टिस प्रॉब्लम उडा को मु कलेक्ट करछि, से प्रॉब्लम उडा को हमें सॉल्व करिया। सो मिनिमम तुम्हारा 10 नंबर ऑफ क्वेश्चंस मु कलेक्ट करछि, सो ए 10 नंबर ऑफ क्वेश्चन हमें सॉल्व करिया। सो सॉल्व करिया पूर्वरु तुमको एडा सॉल्व करिया पय कोन सब कांसेप्ट दरकार पड़ियो, से कांसेप्ट उडा को बिषय हमें रिविजन करिवा। फर्स्ट रे कांसेप्ट सब रिविजन करिवा, नेक्स्ट हमें ए सब प्रॉब्लम उडा को भी करिवा। सो फर्स्ट टॉपिक होछि तुम्हारा कांसेप्ट ऑफ करंट। कांसेप्ट ऑफ करंट, सो करंट कोन, करंट होची द फ्लो ऑफ चार्ज, और यू कैन से रेट ऑफ चार्ज को हमें करंट कहवा। सो करंट को हमें डिनोट करवा आई रे, सो आई इक्वल टू डी क्यू डिवाइड बाय डी टी। सो डी क्यू कौन, डी क्यू होची तुम्हार चेंज इन चार्ज टू चेंज इन डी टी, टाइम चेंज इन टाइम विच इज इक्वल टू चार्ज कौन, चार्ज हूँ तुम क्यू डिवाइड बाय टाइम हूँ टी। सो चार्ज रे यूनिट ऑलरेडी तुम फिजिक्स रे एंड मैट्रिक रे भी ऑलरेडी पढ़ी चो, चार्ज रे यूनिट हूँ तुम कूलम डिवाइड बाय टाइम रे यूनिट कौन, सेकेंड। सो करंट रे यूनिट तुम कूलम पर सेकेंड और एम्पियर और एम्पियर, ओके। सो नेक्स्ट थिंग होची वोल्टेज। सो वोल्टेज कौन, वोल्टेज होची कंडक्टर अच्छी, सपोज लेट अस अज्यूम ए कंडक्टर, गोटे कंडक्टर अच्छी। सो कंडक्टर मैंने कौन, जहाँ कि तुम इलेक्ट्रिसिटी बा करंट इजिली फ्लो हो पार। एग्जांपल कौन सब तुम कंडक्टर, एग्जांपल कौन हो पारे, कॉपर हो पारे, आलुमिनियम हो पारे, सिल्वर हो पारे, गोल्ड हो पारे, से गुड़ा सब तुम कंडक्टर एग्जांपल। सो कंडक्टर तुम ऑलरेडी जानचे करंट इजिली फ्लो हो। सो वोल्टेज मीन्स कौन, सो कंडक्टर रे करंट के फ्लो हे जिते तुम गोटे कौन कर गोटे वोल्टेज अप्लाय कर, मानते गोटे पोटेनसीआल डिफरेन्स जब आम अप्लाय कर, तो से कौन हम करेटा तुम फ्लो हम करेन्ट कौन हम करेन्टे फ्लो हम। सो ये पोटेनसीआल डिफरेन्स क्रिएट कराया युवक आम वोल्टेज कह, तो तुमको जब मुझे फिजिकाल एग्जांपल कहे, लेट अस एज्यूम कर जो दीटा वाटर टैंक अच्छी। सो वाटर टैंक दीटा वाटर टैंक सपोज अच्छे, बोथ दिस वाटर टैंक्स आर इन सेम लेवल रे वाटर टैंक अच्छे। सो लेवल तर सेम अच्छे, लेवल इन द सेन्स जो प्लेसमेंट अच्छे, जो प्लेस रे पोजिशन कराई, सो सेम अच्छे। सो ये सपोज तुम वाटर अच्छी, सो लेट अस एज्यूम दिस इज वाटर टैंक ए एंड दिस इज वाटर टैंक बी। सो वाटर टैंक ए रे दिस मच ऑफ वाटर अच्छी, ये तुम पानी अच्छी, एंड वाटर टैंक बी रे सपोज कम पानी अच्छी। सो इफ नाउ एबे जदि हमें कनेक्ट करिया गोटे पाइप कनेक्ट करिया, गोटे पाइप कनेक्ट करी मु जदि गोटे टैप कनेक्ट करी, तो ए टैप टा को मु जदि ओपन करी, टैप को ओपन करले कौन हम ना, वाटर तुम टैंक ए रु टैंक बी को आसो, वाटर तुम कौन हम टैंक ए रु टैंक बी को वाटर तुम आसो। सो वाटर केत आसो ना, टैंक ए रे जेहेतु वाटर लेवल अधिक अच्छी, ए टैंक बी रे जेहेतु वाटर लेवल कम अच्छी, दीटा लेवल जब मुझे ड्र करी टैंक बी रो लेवल एटा एंड टैंक ए रेवलटा अधिक अच्छी, से देखिपर ए जो लेवल डिफरेन्स जो ड्यू टू दिस डिफरेन्स, ए डिफरेन्स जो कौन हम वाटर तुम टैंक ए रु टैंक बी को फ्लो हम, ठीक अच्छे। सो सिमिलरली ये तुम कौन करा ना, वोल्टेज जो अप्लाई करा एडा जो बड़ टर्मिनाल देखुचे एडा होची पॉजिटिव, एंड छोटो टर्मिनाल जोटा होची नेगेटिव टर्मिनाल। सो पॉजिटिव रु नेगेटिव तुम कौन हम करेन्टा फ्लो हम, कहीं करेन्ट कौन फ्लो हम ड्यू टू दिस डिफरेन्स, ए डिफरेन्सटा को आम कह पोटेनसीआल डिफरेन्स, पीडी हूँ तुम पोटेनसीआल डिफरेन्स। सो यू कैन से यहाँ जिन तुम गोटे प्रेसर क्रिएट है, सिमिलरली ए पोटेनसीआल डिफरेन्सटा गोटे प्रेसर क्रिएट
टू फ्लो द करेंट सो करेंट इजिली कौन कौन हम करेन्ट तुम पॉजिटिव आसिकी इजिली कौन हम ए थ्रू रे फ्लो हम करेन्ट क्लोज होगा ठीक अच्छे से पॉजिटिव नेगेटिव जीव बट ये तो फांका अच्छे ना ये तो जापर सी ऑब्वियसली ए कंडक्टर थ्रू रे ही करेन्टा पास हे बुझीगला सो करेन्ट आउ वोल्टेज विषय डिटेल्स तुमको बुझी जा नेक्स्ट थिंग हूँ तुम रेजिस्टेंस नेक्स्ट हूँ रेजिस्टेंस सो रेजिस्टेंस कौन रेजिस्टेंस हूँ द प्रॉपर्टी व्हिच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट अपोजेस 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 द फ्लो ऑफ करंट फ्लो ऑफ करंट फ्लो ऑफ करंट ओके एंड ए वोल्टेज टाक आम डिनोट करवा भि रे डिनोट करवा एंड आर यूनिट होची वोल्ट सो रेजिस्टेंस आर इज अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट सो करंट फ्लो को जे अपोज करचे से होची रेजिस्टेंस सो फॉर फिजिकल एग्जांपल लेट अस अज्यूम गोटे ड्रेन अच्छी सो ड्रेन रे तुम कौन अच्छी वाटर फ्लो हो ड्रेन रे वाटर फ्लो हो सो ड्रेन रे कौन अच्छे ना वाटर तुम फ्लो सो ड्रेन रे सपोज एज्यूम कर किसी गार्बेज अच्छे और अलिया आवर्जना किसी अच्छे सो ये गार्बेज अच्छे गार्बेज क्वांटिटी जब मुझे बढ़ेबी कौन हम ये वाटर फ्लोटा ये कमिजी वाटर फ्लो विल डिक्रीज वाटर फ्लो कौन हम डिक्रीज हो सो सिमिलर टू तुम जो सर्किट रे करंट फ्लो जदि करंट फ्लो को कंट्रोल किए करेजिस्टेंस कंट्रोल कर सो रेजिस्टेंस रा वैल्यू जदि बढ़ करंट फ्लो कमिबो सिमिलर टू योर हियर वाटर फ्लो को कंट्रोल कला किए ये जो गार्बेज अच्छी ठीक अच्छे गार्बेज रा क्वांटिटी जदि बढ़ला तुम कौन अच्छे वाटर फ्लो कौन है कमीगला और जदि गार्बेज रा क्वांटिटी अलिया आवर्जना जो क्वांटिटी जदि कमेदेबा वाटर फ्लोटा बढ़ो इजिली वाटर फ्लो इजिली बढ़ी पार सिमिलरली हियर तुम कंडक्टर रे करंट फ्लो को कंट्रोल करे रेजिस्टेंस बुझा पड़ जाइ सो रेजिस्टेंस जदि तुम बढ़ रेजिस्टेंस जदि बढ़ तुम कौन हम करंट फ्लोटा कमिजी ऑब्वियसली सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस जदि बढ़ करंट फ्लो कमिबो और रेजिस्टेंस जदि कमिबो तुम कौन हम करंट फ्लो बढ़िजो सो दैट इज रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर करंट और यू कैन से करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस बढ़िले करंट कमिबो एंड रेजिस्टेंस बढ़िले करंट कमिबो रेजिस्टेंस कमिले करंट बढ़िबो ठीक अच्छे बुझी जा सो व्हाट इज रेजिस्टेंस बुझी जा सो नेक्स्ट टाइम देखिबा ए जो रेजिस्टेंस अछि यार कॉम्बिनेशन देखिबा रेजिस्टेंस रो हमें कॉम्बिनेशन देखिबा सो सीरीज रेजिस्टेंस कौन पैरेलल रेजिस्टेंस कौन एंड देयर कॉम्बिनेशन एंड हाउ टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और यू कैन से इफेक्टिव रेजिस्टेंस ओके बिफोर दैट पावर कौन देखिबा सो पावर होची पावर इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट वोल्टेज इनटू करंट प्रीवियसली ऑलरेडी मैट्रिक रे भी पढ़ी तुम्हें ओम्स लॉ ओम्स लॉ ओम्स लॉ सो ओम्स लॉ कौन कौन गोटे कंडक्टर अच्छी एंड कंडक्टर रे सपोज कौन अच्छी तुम करंट फ्लो होची कंडक्टर रे करंट फ्लो होची एंड कंडक्टर रे करंट किन फ्लो हम तुम गोटे जदि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर कौन पोटेंशियल डिफरेंस माने वोल्टेज जदि अप्लाय करवा सो कौन हम करंट फ्लो हम ओम्स लॉ कौन कौन ए करंट फ्लो होची ए करंट फ्लो क्या डिपेंड कर वोल्टेज पर डिपेंड कर दिस वोल्टेज ठीक अच्छे से वोल्टेज तुम जो करंट अच्छे करंट फ्लो को ए वोल्टेजा डिपेंड कर सो योर करंट इज दिस करंट इज प्रोपोर्शनल टू दियर वोल्टेज और यू कैन से कौन कहीपर करंट फ्लो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड बिटवीन दिस टू पॉइंट्स भी इज प्रोपोर्शनल टू आई और भि इक्वल टू तुम कौन है आई इंटू आर भि इक्वल टू कौन है आई इंटू आर है फ्रम दिस फर्मूला यू कैन राइट अदर टू फर्मूला आउ दुटा फर्मूला आम भी ये लिखिपर सो आई इक्वल टू
I equal to V upon R and also R equal to कौन है V divided by I V divided by I So unit of current is ampere, unit of voltage is volt and unit of resistance is ohm. Ohm reda symbol tamara. And unit of power is watt. Okay. So P equal to V into I. P equal to V into I. V जगह हमें यदि पुट करिया I into R यदि पुट करिया इन प्लेस ऑफ V V जगह यदि हमें I into R यदि पुट करिया एंड एज I ऑलरेडी अच्छी सो एडी कौन हम तुम दिस I ए आई एंड ए आई मल्टीप्लाई है सो मल्टीप्लाई है सो I into I कौन हम I स्क्वायर into R I स्क्वायर into R नाउ इन प्लेस ऑफ I If we put V by R, so I जगह हमें जदि V by R put करिबा, I जगह हमें V by जदि R put करिया, कौन हम से जगह रे V already अच्छी, this V, and in place of I, we'll put V by R. So I जगह हमें V by R put करिया, so V upon R, that is V by R, so equal to कहते हो, V into V, कहते हो, V into V, V square divided by R. V स्क्वायर डिवाइड बाय आर सो पावर आमर तीनटा आमर फर्मूला आसला सो देख पार पावर आमर तीनटा फर्मूला आसला भि इंटु आई आई स्क्वायर आर एंड भि स्क्वायर डिवाइड बाय आर सो इजिली वी कैन रिमेम्बर दिस थ्री फर्मूला भि इंटु आई आई स्क्वायर आर एंड भि स्क्वायर अपन आर ओके सो एज प्रीवियसली आई हैव सेड To calculate the effective resistance or equivalent resistance, resistance ra me combination padhiba. Combination of resistance. So resistance ko ame mainly combine kari pariba in series combination, or in parallel combination, series and parallel, or combination of this series and parallel. That is combination. Combination, okay. So next tamara hochi series connection. So number of resistors R1, R2, R3 and Rn that is n number of resistors are connected in series. So resistor R1 ro this is your starting point, this is ending point. Similarly for resistor 2 this is starting point, ending point. And so on. So resistor 1 ro end point a resistor 2 ro starting point ko connect achi. Similarly, resistor 2 ro end point connected to resistor 3 ro starting point and so on. And resistor Rn ro n number of resistor ro ending point is connected through this voltage to the starting point of the first resistor. Such type of connection ko ame कौन कहवा सीरीज कनेक्शन और यू कैन से दिस कनेक्शन इज एंड ऑन एंड कनेक्शन एंड ऑन एंड कनेक्शन एंड ऑन एंड एंड को एंड गोटे एंड को आउ एंड कनेक्टेड है तो ये वाला कनेक्शन को हमें सीरीज कनेक्शन कहवा तो वोल्टेज अप्लाई कराई सो करंट तुम सर्किट रे फ्लो हो सो ये हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड करंट एंड टोटल सर्किट रा वोल्टेज कैलकुलेट करिया सो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट कैन बी कैलकुलेटेड बाय सिंपली एडिंग देम एडिंग दी रेजिस्टर्स सो सिंपल आम एडिशन करी सम कर दबा सम कले आसीब सो आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री अप टू आर एन एन नंबर ऑफ रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज सो अप टू आर एन सो सिंपली एडिशन कलु तुमर आंसर पड़े आसला नाउ वोल्टेज कौन हम टोटल वोल्टेज योर टोटल वोल्टेज ए वोल्टेजटा कौन हम टोटल सब सर्किट रे वोल्टेजटा ड्रॉप हो जाए सो इन टर्म्स ऑफ वी वन वी टू वी थ्री अप टू वी एन सो टोटल वोल्टेज भी इक्वल टू वी वन
plus V2 plus V3 up to your Vn. N number of tamara resistor connected ach. And I can be calculated as I equal to V by normal tamara formula kon I equal to V by R. So in terms of R, in place of R, we'll put R equivalent. R jagara ame R equivalent put koriya. So R equivalent I equal to V by R. Okay. Similarly, your power for series circuit, power for series circuit, P series equal to power formula kon to, total tamo circuit ra voltage V square divided by R ra tamara kon abo equivalent resistance. So P equal to V square by R. Okay. And voltage tamo jaha apply korcha, a voltage divide hoyauchi into V1, V2, V3 up to Vn re divide hoyauchi. Total voltage ta divide hoyauchi. And a circuit re jo current achi, I current फ्लो जो होची ईच रेजिस्टर रे सब सेम करंट ही फ्लो होची देख पारियो कनेक्शन रे करंट जो फ्लो हो सेम करंट ही फ्लो होची सो करंट चेंज होनी करंट तमरो चेंज होनी सेम करंट विल फ्लो इन द सर्किट थ्रू आउट द सर्किट तमरो सेम आई करंट ही फ्लो होची सो आई डज नॉट चेंज होनी आई रिमेन कांस्टेंट वोल्टेज तमरो चेंज होची वोल्टेज डिवाइड्स वोल्टेज कोन हो जाउची डिवाइड्स हो जाउची. So here we'll apply voltage division rule. Voltage division rule. Division or divider. Voltage divider rule. So for simplification, we'll take only two number of resistors to find out this voltage division rule. So dida resistor I mean naba, two number of resistors naba, R1 and R2. एंड टोटल तमरो वोल्टेज अप्लाई कराई छी कैपिटल वी वी सो कोन हो तमरो ए वोल्टेज टा डिवाइड हे जो इनटू वी1 एंड वी2 रे वी1 एंड वी2 रे टोटल वोल्टेज टा डिवाइड हे जाउ छी सो बाय अप्लाइंग योर वोल्टेज डिवीजन रूल वी कैन इजीली फाइंड आउट वी1 एंड वी2 वी1 वी2 हमें इजीली फाइंड आउट करि पारिया. So V1 equal to total voltage V into your resistance V1 da karo R1 ro. So total voltage into R1 divided by the total resistance R1 plus R2. Similarly, you can find out V2 equal to your total voltage V into your R2 divided by total volt total resistance R1 plus कौन हम आर टू हम बुझीगला. सो इजिली यू कैन फाइंड आउट दिस फॉर्मूलास इन योर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स. सो ए प्रॉब्लम सॉल्व कला आम इजिली ए फॉर्मूला को यूज कर पारिया. सो टोटल वोल्टेज इनटू योर रेजिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस. सो फॉर कैलकुलेशन लेट अस टेक ए सिंपल एग्जांपल. सो सिंपल गोटे एग्जांपल लवा. सो टोटल वोल्टेज सपोज अप्लाई कराए चेडी टोटल वोल्टेज सपोज 24 वोल्ट एंड आर वन सपोज तमर होची 2 ओम एंड आर टू होची सपोज 4 ओम. सो आम एडी वी वन एंड वी टू कैलकुलेट करिया. एटा होची वी वन दिस इज वी टू. वी वन एंड वी टू कैलकुलेट करिया यूजिंग योर वोल्टेज डिविजन रूल. सो वी वन कौन हम टोटल वोल्टेज के 24 वोल्टेज इनटू योर रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस के 2 डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस के 2 प्लस 4 सेटा केते हम कैलकुलेशन कर सिंप्लीफिकेशन कले के आस 24 ठीक अच्छे यहाँ कौन हम ना 24 इंटू 2 डिवाइड बाय 2 प्लस 4 6 कैनसलींग 6 4 जै 24 4 इंटू 2 this is 8 volt. Similarly, V2 can be calculated as total voltage 24 into resistance kete achi 4 ohm achi. V2 da karo R2 ro. So R2 kete achi. Dekhi pariyo R2 4 achi. So divide by R1 plus R2. 2 plus 4 equal to 24 into 4 divide by 6. So 6, 4 re 24. So 4 into 4 is 16 volt. So now
हाउ टू चेक वेदर योर आंसर्स आर करेक्ट और नॉट। सो सीरीज रे आम यूज करले कौन टोटल वोल्टेज भी इक्वल टू वि ओन प्लस वि टू। सो वि ओन एंड वि टू आम एड करवा। सो वि ओन के 8 प्लस वि टू हो 16। सो 8 प्लस 16 इक्वल टू 24 बुझीगला। सो वि ओन वि टू एड कल तुम टोटल वोल्टेज 24 था 24 आसला। दैट मीन्स योर आंसर इज आब्सोल्युटली करेक्ट। सो नेक्स्ट आम पढ़िया पैरेलल कनेक्शन। सो पैरेलल कनेक्शन ये कनेक्शन को आम पैरेलल कनेक्शन कहवा। सो देखिपर रेजिस्टेंस आर ओन आर टू आर थ्री आर एन आर कनेक्टेड इन पैरेलल। सो पैरेलल कनेक्शन किन जाना पड़ो दि नंबर ऑफ रेजिस्टर्स जदि रेजिस्टर गुड़ाक ये जदि कनेक्शन हो कनेक्शन हो सपोज लेट अस टू पॉइंट्स लेट अस टेक टू पॉइंट दुटा आम पॉइंट नवा से पॉइंट भितरे जो सब रेजिस्टर गुड़ाक कनेक्ट हो सब रेजिस्टर जगह आम कौन कह पैरेलल कनेक्शन पैरेलल कनेक्शन कह ठीक अच्छे। से देखिपर दुटा पॉइंट अच्छी पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। पॉइंट ए पॉइंट बी भितर सब रेजिस्टर गुड़ाक कनेक्टेड अच्छे। सो एटा स्टार्टिंग पॉइंट एटा एंडिंग पॉइंट ऑल द स्टार्टिंग पॉइंट्स कनेक्टेड एट ए प्लस एंड ऑल द एंडिंग पॉइंट कनेक्टेड एट ए सेम प्लेस गोटे प्लेस रे कनेक्टेड थी। ये कनेक्शन को आम कौन कह पैरेलल कनेक्शन से देखिपर एटा आमर गोटे पॉइंट। सो ए पूराटा आमर गोटे पॉइंट एंड बॉटम रे भी देखिपर ए पूराटा आमर गोटे पॉइंट। सो सेम पॉइंट जब कनेक्टेड अच्छी ये कनेक्टेड जो अच्छी ये आम पैरेलल कनेक्शन कहवा। से टोटल वोल्टेज दिखाई भी दिखाई जो वोल्टेजटा अप्लाई कराई आर ओन आर टू आर थ्री एंड आर एन सब जगह वोल्टेज एक्रस आर ओन आर टू आर थ्री विल बी रिमेन सेम सेम वोल्टेज विल अप्लाई हियर हियर सब जगह सेम भी ही अप्लाई हे टोटल जहाँ सप्लाई दिखाई सेम वोल्टेज विल अप्लाई थ्रू आउट दिस रेजिस्टर्स एंड टोटल सर्किट रा करंट केते आई हो टोटल सर्किट रा करंट एंड दिस आई इज डिवाइडिंग इनटू योर आई वन आई टू आई थ्री आई एन। सो टोटल करंट कौन होगा टोटल करंट इज डिवाइड्स आई वन आई टू आई थ्री। सो आई वन आई टू आई थ्री ये सब जगह जब एड करो टोटल करंट आम आसव सब टू आई एन एन नंबर ऑफ रेजिस्टर्स कनेक्टेड अच्छे। ना जब आम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बाहर करवा ये पैरेलल कनेक्शन रिन बाहर करवा बाय अप्लाइंग दिस सिंपल फॉर्मूला वन बाय आर इक्विवेलेंट इक्वल टू वन बाय आर वन प्लस वन बाय आर टू प्लस वन बाय आर थ्री अप टू योर एन नंबर ऑफ रेजिस्टर्स वन बाय आर एन ओके। सो यहाँ तुम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रा फॉर्मूला आसो। सो ये देखिपर वन बाय आर इक्विवेलेंट रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल टू वन बाय आर वन प्लस वन बाय आर टू अप टू वन बाय आर एन। फॉर सिंप्लीफिकेशन टू नंबर ऑफ रेजिस्टर को जब आम कैलकुलेशन करवा कौन आसवा आम फॉर्मूलारे। सो वन बाय आर इक्विवेलेंट इक्वल टू कौन आसो ये दुटा जब आम एड करिया एलसीएम बाहर करिया। सो एलसीएम तुम आसवा आर ओन इंटू आर टू एलसीएम आसो आर ओन इंटू आर टू। सो एडिशन कले कौन आसो एड के आसो आर टू आसो आर टू प्लस आर ओन और यू कैन से आर ओन प्लस आर टू भी आम लिखिपर आर ओन प्लस आर टू। सो वन बाय आर इक्विवेलेंट इक्वल टू सो आर इक्विवेलेंट के आसो वन बाय आर इक्विवेलेंट कौन कल एगेन रेसिप्रोकल कले मैंने सिफ्ट करदे उल्टे देवा ताको। सो दैट इज इक्वल टू कौन आस एटा को भी उल्टेबे आम उल्टेले के आस आर ओन इंटू आर टू एटा को इक्व रेसिप्रोकल कह उल्टेबा जोड़ा ना रेसिप्रोकल कह चाहिए। सो आर ओन इंटू आर टू बै आर ओन प्लस आर टू। सो सिंपल आम जब दुटा रेजिस्टर थी आम से सिंपल फॉर्मूला आर ओन इंटू आर टू बै आर ओन प्लस आर टू इजिली पकई पार एंड टोटल जो करेन्टा तुम जो फ्लो होता से करेन्टा डिवाइड होगा इंटू आई ओन आई टू आई थ्री आई एन। सो करेन्ट डिजन रूल यूज कर फाइंड आउट कर इच रेजिस्टर करेन्ट आम बाहर करूजिंग योर करेन्ट डिजन और डिवाइडर रूल करेन्ट डिजन और डिवाइडर रूल। फॉर सिंप्लीफिकेशन आई एम टेकिंग ओनली टू नंबर ऑफ रेजिस्टर्स दुटा रेजिस्टर आम नवा
R1 and R2, and these two resistors are connected in parallel. Parallel re connected hechi. So easily dekhi pare eta parallel connected hechi. Total tamara total current flow hochi, I current flow hochi. So total tamara voltage diya hechi, V diya hechi. Total voltage V and total current I, and tamara resistor edi hochi R1 and R2 hochi. R1 and R2. This total current I, this total current I divides into your I1 and I2. I1 and I2. So I1 and I2 ame calculate kariba. So I1 kin bar kariba. So this is called your current division or divider rule. Current division or divider rule. So I1 equal to total current I into your opposite resistance. So for I1, the resistance is R1. And its opposite will be your R2. I1 by resistance kuda R1. So your opposite kuda abo, R2 abo. So total current into your opposite resistance divided by the sum of the resistors that are divides. Parallel ra joda connected achi, say resistor oda ko sum kardava. So dida parallel ra connected achi R1 and R2 e dida jara me sum kardava. Sum kala keta asio R1 plus R2. Add कर देवा सम माने कौन add करिया so I1 equal to total current into opposite resistance divided by your total resistance so here total resistance means sum of these two resistance not the not your equivalent resistance इडा equivalent resistance नो इडा तमरा sum इडा sum कराये जी similarly I2 can be find out I2 किन बाहर करिवा total current I into your opposite resistance for I2 I2 your resistance is R2 opposite could have R1 have so total current I into R1 divided by R1 plus R2 okay bujhela and total current I equal to kon asyo I1 plus I2 I1 plus I2 for understanding this formula current division rule let us take a simple problem क्वेश्चन उठ दै छी तमो कहै छी फाइंड आउट i1 एंड i2 i1 i2 बार करिया सो करंट डिवीजन रूल हमें यूज करिया सो i1 कोन हबो टोटल करंट के दे 12 इनटू अपोजिट रेजिस्टेंस केते i1 रो आपे 3 हबो अपोजिट सो अपोजिट रेजिस्टेंस बाय टोटल रेजिस्टेंस 1 प्लस 3 इक्वल टू केते हबो 12 इनटू 3 डिवाइड बाय 3 प्लस 1 4 सो फोर थ्री एटा कैनसल कल थ्री आस थ्री इंटू थ्री के नाइन आंपियर करेन्टा जेहतु तार यूनिट कौन हम आंपियर हम सिमिलरली आई टू कौन हम आई टू इक्वल टू टोटल करेन्ट ट्वेल्व डिवाइड बाय अपोजिट रेजिस्टेंस के आई टू अपोजिट रेजिस्टेंस कौन हम आई आई वन रेजिस्टेंस दैट इज वन ओम अपोजिट रेजिस्टेंस वन डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस वन प्लस थ्री इक्वल टू कौन हम ट्वेल्व इंटू वन डिवाइड बाय थ्री प्लस वन फोर सो इक्वल टू थ्री फोर कैनसल कल के थ्री हम सो थ्री इंटू वन थ्री एम्पियर सो इजिली तुम देखिपार नाइन प्लस थ्री दैट इज आई वन प्लस आई टू के आस नाइन प्लस थ्री इक्वल टू के ट्वेल्व एम्पियर तो देखिपार टोटल करेन्टा भी कौन अच्छे टोटल करेन्टा भी तुम ट्वेल्व एम्पियर अच्छी सो दैट मीन्स योर आंसर इज आब्सोल्युटली करेक्ट सो नेक्स्ट आम देखा क्रिचॉफ्स करंट लॉ एंड क्रिचॉफ्स वोल्टेज लॉ KCL that is Kirchhoff's current law it is your first law of Kirchhoff's first law Kirchhoff's current law Kirchhoff's current law first law is Kirchhoff's current law and your second law is Kirchhoff's voltage law KVL is your Kirchhoff's voltage law so first ame Kirchhoff's current law dekhiba so Kirchhoff's current law kon kahuchi algebraic sum of all the currents meeting at a point or node equal to zero that is sum of so that is sum of
sum of the currents equal to 0 in a node or junction or point. So got a node re ba point re kon to suppose let us take a node or point n. So n re kon chi number of currents entering, some currents are entering and some currents are leaving. So dida current suppose dida current enter korchi i1 and it out suppose i2 and au kichi current suppose leave korchi leaving current i3 i4 i5 एवडा किछि भी करंट से देई पारे तो मो एडी 5 टा करंट तमरो नेच i1 i2 एंटरिंग करंट ए पॉइंट को आसुचि आसीबा करंट एंड i3 i4 एंड i5 आर लीविंग करंट और यू कैन से दीस आर इनकमिंग करंट द ग्रीन करंट्स आर इन ग्रीन कलर करंट्स आर इनकमिंग करंट एंड दिस पिंक कलर आर योर आउटगोइंग करंट सो सम ऑफ दिस करंट्स मीटिंग एट ए पॉइंट इज 0 इज जीरो सो इनकमिंग करंट को अजम्पशन करवा इनकमिंग करंट हूँ तुम पॉजिटिव अजम्पशन दीज आर जस्ट अजम्पशन एंड आउटगोइंग करंट्स आर इन नेगेटिव अजम्पशन कराई तुम आपको रिवर्स भी कर पार इनकमिंग करंट को नेगेटिव आउटगोइंग करंट को पॉजिटिव भी नहीं पार सो सम ऑफ दिस करंट विल बी योर जीरो सो इफ वी अप्लाई केसीएल हियर इन दिस नोड एंड देन कौन करिया टोटल करंट तुम इनकमिंग करंट कौन अच्छी i1 प्लस i2 एंड आउटगोइंग करंट्स i3 i4 एंड i5 दीज आर आउटगोइंग करंट्स सो आउटगोइंग करंट आगे मुझे कौन नेबी नेगेटिव नेबी सो i3 इज नेगेटिव प्लस i4 टा कौन हाँ i4 भी नेगेटिव प्लस i5 टा भी कौन अच्छे नेगेटिव अच्छी इक्वल टू जीरो एटा तुम कौन केसीएल किरचॉफ्स करंट लॉ सो फर्दर सॉल्विंग दिस इक्वेशन इक्वेशन को जो आम सल्व करिया i1 प्लस i2 इक्वल टू ए जो i3 i4 i5 जहाँ माइनस अच्छे नेगेटिव अच्छे आपको जब राइट साइड शिफ्ट करवा पॉजिटिव हो जियो सो i3 प्लस i4 प्लस i5 से क्लीयरली देखिपर दिस टू करंट्स आर योर इनकमिंग करंट सो सम ऑफ योर इनकमिंग करंट इक्वल टू योर sum of your incoming current equal to your sum of these are your outgoing current sum of incoming current equal to sum of outgoing current clearly bujhiyala so this is your KCL Kirchhoff's current law now KVL Kirchhoff's voltage law Kirchhoff's voltage law can be applied in a closed path or closed loop or closed circuit or closed path KVL can be applied in a loop or closed path or closed loop or closed path or closed circuit. So before understanding KVL, KVL bujhe purvaru dekha kichi voltage juda gachi and kichi assumption bhi achi dekha. So the voltage suppose. ओके वोल्टेज अच्छी जदि वोल्टेज अच्छी सपोज भी अच्छे सो यार डायरेक्शन जदि एबड़ा नबा एबड़ा जदि डायरेक्शन आमे नैचे सो एडा देख पारे एडा पॉजिटिव अच्छी सो एडा आमे नबा वैल्यू नबा पॉजिटिव नबा एंड सिमिलरली जदि एबड़ा अच्छी एंड यार डायरेक्शन जदि आमे एडा नैचे डायरेक्शन जदि नैचे एडा देख पारे एडा माइनस अच्छी छोटडा माइनस बडडा प्लस अच्छी सो ए वैल्यूटा जब भी अच्छी आपको आम नवा भी माइनस भी नवा सो दिस इज योर नेगेटिव भी एड तुम पॉजिटिव भी ओके सिमिलरली सपोज गोटे रेजिस्टर अच्छी रेजिस्टर जब अच्छी रेजिस्टर वैल्यू आर अच्छी एंड यार करंट तुम आई करंट सो आर आम कौन नवा आर ड्रॉप जो नवा वोल्टेज ड्रॉप भी रेजिस्टर रे वोल्टेज किसी ड्रॉप हम दैट वोल्टेज कैन बी फाइंड आउट बी इक्वल टू आई into r and this i into r will take negative values okay so minus i into r okay these are our assumption to solve the KVL so KVL Kirchhoff's voltage law
सपोज गोटे सर्किट दे भाला एटा हूँ भि ओन आर ओन भि टू आर टू भि थ्री एंड आर थ्री सो ये क्लोज पाथ रे आम यूज करें के वि एल ये क्लोज पाथ रे आम के वि एल यूज कर सो करेन्ट नहीं जाए गोटे करेन्ट आई करेन्ट नहीं जावा सो यार वोल्टेज सो ये देखिपर इजिली ए बी सी डी सो आम लूपटा कौन हम लूप लूप और क्लोज पाथ इज योर ए टू बी टू सी सी टू डी अगेन डी टू जदि आम ए को आसवा से तुम क्लोज पाथ हम ए रु स्टार्ट कर ए रु बी को बी रु सी को सी रु डी को अगेन डी रु जदि आम ए को आस तुम क्लोज पाथ हम सो इन ए क्लोज पाथ वी कैन अप्लाई के वी एल अप्लाई कर पार सो ये देखिपर ए रु बी को जिते गले सो यहाँ देखिपर इजिली से टर्मिनाल मोर कौन पॉजिटिव अच्छी सो भी वन इज पॉजिटिव माइनस एड़ी किछि एड़ी ड्रॉप हबो एड़ी रेजिस्टर ड्रॉप केत हबो करंट कण अछि आई करंट अछि रेजिस्टेंस कण अछि आ वन अछि सो आई इंटू आर वन सो ड्रॉप केत हबो माइनस ऑफ आई इंटू आर वन एंड भी टू डा कण हबो इजिली तमे जानि पार्छ कण हबो नेगेटिव हबो काहे ना छोटो टर्मिनल डा सो नेगेटिव सो माइनस ऑफ भी टू माइनस एड़ी ड्रॉप केत हबो ऑल द ड्रॉप्स नेगेटिव सब ड्रॉप जगह में नेगेटिव नवा सो एड़ी ड्रॉप केत हबो आई इंटू आर टू हबो सो माइनस ऑफ आई इंटू आर टू एंड एटा भी थ्री कौन हबो नाउ यू कैन इजिली अंडरस्टैंड भी थ्री कौन हबो प्लस हबो ना नहीं सो भी थ्री आम प्लस हबो भी थ्री प्लस माइनस एड़ी ड्रॉप केत हबो एड़ी तुम ड्रॉप हबो आई इंटू आर थ्री आई इंटू आर थ्री आई इंटू आर थ्री which is equal to your 0 eta tamaro kvl algebraic sum of the all the currents equal to 0 sum kon ko dekho algebraic coach algebraic 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 means positive achi ki negative achi taku dekhi ra me consider kariba so further solving this equation e equation ko jodi me further solve kariba solve kale kon asibo v1 minus v2 प्लस बी थ्री इक्वल टू सब रजिस्टर ड्रॉप जाग अच्छे जो यहाँ माइनस अच्छे यहाँ भी माइनस अच्छे सब ड्रॉप जाग माइनस ही रही सब सो इक्वल टू आई इंटू आर वन प्लस राइट साइड शिफ्ट कले पॉजिटिव हो जाए सब आई इंटू आर टू प्लस आई इंटू आर थ्री ओके सो दीज आर योर वोल्टेजेस टोटल वोल्टेजेस इक्वल टू टोटल वोल्टेज ड्रॉप्स दीज आर वोल्टेज ड्रॉप सो सम ऑफ द वोल्टेजेस इक्वल टू सम ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप अलजेब्रिक सम कथा कौन ओके बुझीगला सो फॉर सिंप्लीफिकेशन लेट अस टेक ए सिंपल प्रॉब्लम गोटे सिंपल प्रॉब्लम नवा सपोज ये कि गोटे सर्किट अच्छी ओके एडा अच्छी सपोज टू ओम एडा सपोज थ्री ओम दिस इज सपोज फोर ओम अच्छे एंड दिस इज योर टेन वोल्टेज दिस इज सपोज फाइव वोल्ट अच्छे सो ये आम के वि एल यूज कराया सो गोटे आम नहीं करेन्ट नहीं जा आई करेन्ट ना एंड इजिली टेन वोल्टेजटा कौन हम पॉजिटिव हम जापच सो टेन माइनस आई इंटू आर आई इंटू टू दैट इज कौन हम आई इंटू टू that is your 2i 2i so 2i minus 3i minus 3i and minus 5 eta dekhi pare minus hobo minus 5 and e jo drop ta kete minus 4i equal to 0 so here the question is find out your current current kete bahar kariyo so equal to 0 आन सॉल्विंग दिस इक्वेशन इक्वेशन को जब सॉल्व करिया टू माइनस टू आई माइनस थ्री आई माइनस फोर आई के फोर प्लस थ्री सेवेन सेवेन प्लस टू नाइन सो माइनस ऑफ नाइन आई प्लस टेन माइनस फाइव के फाइव हम इक्वल टू जीरो
एंड माइनस नाइन आई इक्वल टू आपको जब राइट साइड शिफ्ट करिया के तब माइनस फाइव सो माइनस माइनस कैंसल सो नाइन आई इक्वल टू फाइव एंड आई इक्वल टू फाइव डिवाइड बाई नाइन एम्पियर, फाइव बाई नाइन एम्पियर, अंडरस्टैंड? ओके बुझीगला। सो एबे आमे प्रॉब्लम किछि करिबा। वीडियो बहुत लॉन्ग हैला, सो प्रॉब्लम गुड़ा को आमे सेकंड लेक्चर रे सॉल्व करिया। जदि तुम्हें कांटेक्ट करिया चाहूँ मो सहित तो तुम्हें टेलीग्राम रे सर्च कर पार @skesahu00। सो मो सहित तुम्हें कांटेक्ट कर पार एंड फील फ्री टू कमेंट बिलो इफ यू हैव एनी डाउट एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।